दोस्तों अगर Realme 2 Pro की बात करें दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्मार्टफोन है क्योंकि यहाँ पर अच्छी प्राइस रेट के हिसाब से आपको ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले मिलता है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छी मिलती है, एक दमदार स्मार्टफोन भी आप कह सकते हैं एक बजट रेंज के सेगमेंट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआवी ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है 8X। आपको ये स्मार्टफोन आपको नवंबर या अक्टूबर के लास्ट मंथ तक देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन जो है वो परफेक्ट है कंपैरिजन करने के लिए Realme 2 Pro के, और आज के इस वीडियो में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। तो ज़्यादा जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो। सबसे पहले हम बात करते हैं Realme 2 Pro स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी में तो यहाँ आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है, 6 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, और साथ साथ में ट्रू ड्रॉप डिस्प्ले भी आप कह सकते हैं जो कि आपको Realme 2 Pro में आपको मिल जाती है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ दोस्तों आपको ग्लास देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मेटल नहीं मिलता, आपको पॉलीकार्बन ही मिलता है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें Huawei तो यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले 6 इंच की वहाँ पर भी देखने को मिलती है, यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लास देखने को भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी आपको मेटल नहीं मिलता, आपको पॉलीकार्बन ही मिलता है। और साथ ही साथ में दोस्तों डिस्प्ले आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है, ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले आपको नहीं देखने को मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है जो स्मार्टफोन आपको ओरियो देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई मार्शल मेलो नहीं लाल पावर को देखने को मिलता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया आपको 8.1 का ओरियो आपको देखने को मिलता है जो कि आने वाले फ्यूचर में अपग्रेड भी होगा। अगर वहीं पर दोस्तों हम बात करें Realme 2 Pro के बारे में तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा आपको 8.1 ओरियो भी देखने को मिलता है जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको अपडेट होगा, 9.5 पे आपको मिल सकता है। तो वैसे ही हम बात करते हैं सबसे पहले Huawei Honor के प्राइस रेट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप स्मार्टफोन ये लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 14,700 रुपये देने पड़ेंगे। ये दोस्तों आपको वेरिएंट के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा वेरिएंट के लेना चाहते हो तो आपको ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें Realme के बारे में तो यहाँ पर आपको 13,999 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं मार्केट में से, तो ये अवेलेबल हो चुका है, आप जाकर ले भी सकते हैं। तो ऐसे लिए बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है स्मार्टफोन में रहना चाहिए वो है प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर जो कि है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें Huawei के बारे में तो यहाँ पर आपको 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कैरिन पे बेस्ड है, जो कि वो 710 का कैरिन आपको देखने को मिलता है स्मार्टफोन में। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें Realme 2 Pro के बारे में तो यहाँ पर 660 का स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है जो कि 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर बेस्ड है। तो एक्चुअली हम बात करते हैं स्मार्टफोन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कैमरा। दोस्तों कैमरा जो है अब सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी लोग अगर स्मार्टफोन खरीद जाते हैं सबसे पहले कैमरा और बैटरी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Honor के कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है 20 MP का कैमरा देखने को मिलता है जो कि फ्रंट नहीं है, वो सेकेंडरी आपको देखने को मिलता है। अगर वहीं अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें आपको 16 MP का कैमरा मिलता है जो कि 2.0 अपर्चर के साथ बेस्ट है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं Realme 2 Pro के कैमरे के बारे में। तो यहाँ आपको सेकेंडरी कैमरा की बात करें आपको 13+2 MP का कैमरा मिलता है। अगर वहीं पर हम फ्रंट कैमरे की बात करें Realme का तो यहाँ आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में, आप कह सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कंपैरिजन Realme 2 Pro और Honor 8X का। दोस्तों यहाँ पर बैटरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 3500 mAh की बैटरी मिलती है Realme 2 Pro में। अगर वहीं पर हम बात करें Huawei में तो यहाँ पर आपको 3700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों देखिए मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ इन दोनों स्मार्टफोन में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है Honor का, दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी है Realme से हिसाब से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रीमियम ग्लास देखने मिलता है, आपको काफ़ी अच्छी काफ़ी खूबसूरत स्मार्टफोन देखने को मिलती है। अब वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें Realme 2 Pro तो उतना मुझे अच्छा नहीं लगा वैसे पे। और दोस्तों यहाँ पर अगर मुझे स्मार्टफोन लेना हो तो मैं मेरे हिसाब से 8X ही लूँगा, क्योंकि मैं 7X चला कर देखा, काफ़ी अच्छा काफ़ी प्रीमियम फील दिया था मुझे। दोस्तों मेरे हिसाब से जो Honor का ये जो स्मार्टफोन है प्राइस रेट सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है Realme, क्लियर स्मार्टफोन मैं कह सकता हूँ मेरे हिसाब से। और दोस्तों क्या आपको लगता है क्या ये स्मार्टफोन क्लियर स्मार्टफोन है Realme 2 का? अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना।